हेलो माय लवली चिल्ड्रन एंड वेलकम बैक टू माय इंग्लिश क्लास। आज इंग्लिश के सेशन में हमने जो चैप्टर अपने लास्ट सेशन में पढ़ना स्टार्ट किया था द ओलंपिक चैंपियन, इसी को हम आगे पढ़ेंगे और देखेंगे कि स्टोरी में क्या होता है, उसका एंड कैसे होता है, जो बॉबी पियर्स हैं उनके बारे में और हम जानकारी हासिल करेंगे। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स रीड द ओलंपिक चैंपियन। सो इन द लास्ट सेशन We have read about Olympic Games, उसका कुछ जो facts थे हमने पढ़े, कब start हुआ, कहाँ पे हुआ, कैसे इसका नाम Olympic पड़ा, Olympic Games का नाम Olympic कैसे रखा गया। फिर हमने पढ़ा था बॉबी पियर्स के बारे में, किस तरह से वो छोटी सी उम्र से ही 6 साल की उम्र से जो है रोइंग कर रहे थे और उसमें उनको जीत हासिल हुई। 20 साल की उम्र में वो जो है स्कलिंग चैंपियन बन चुके थे ऑस्ट्रेलिया के। तो अब आइए इसी के आगे पढ़ते हैं। The following year he went to Amsterdam to compete in the Olympic Games. यानी कि उसी के आगे, उसी के अगले साल जो है वो Amsterdam गए Olympic Games में compete करने, भाग ले। In the finals he competed against Ken Mears of America. तो जब finals में वो पहुंचे तो उनका उनकी जो प्रतिस्पर्धा थी, उनका competition जो था वो Ken Mears के साथ था, जो कि अमेरिका के थे। From the start of the race Bobby was in the lead. रेस की शुरुआत से ही बॉबी जो है लीड कर रहे थे, यानी कि वो आगे चल रहे थे। ही वॉज वेरी मच अहेड ऑफ मायर्स, तो वो मायर्स से कहीं ज्यादा आगे निकल चुके थे। आफ्टर हाफ द रेस वॉज ओवर ही वॉज स्टिल लीडिंग, आधी से ज्यादा रेस खत्म हो चुकी थी और वो अभी भी आगे ही थे। इट सीम्ड दैट बॉबी वुड इजीली विन द रेस, तो ऐसा लग रहा था कि बॉबी बहुत ही आसानी से ये रेस जीत जाएंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता क्योंकि वो शुरू से ही आगे थे और आधी से ज्यादा रेस खत्म हो चुकी थी, वो अभी भी आगे ही थे मायर्स से। Then suddenly something happened. फिर अचानक कुछ हुआ। Suddenly मतलब क्या होता है? अचानक। अचानक कुछ हुआ। क्या हुआ? He saw a duck and her ducklings swimming across the waterway. तो उन्होंने एक डक यानी एक बतख और डकलिंग्स यानी जो बतख के बच्चे होते हैं, डक के बच्चे होते से डकलिंग्स बोलते हैं। तो उन्होंने एक बतख और उसके बच्चों को देखा स्विमिंग अक्रॉस द वॉटर वे, पानी से वो जा रहे थे। दे वर स्विमिंग इनटू द पाथ ऑफ हिज बोट एंड द बोट वाज गोइंग टू रन इनटू देम, तो वे लोग जहां जा रहे थे वो उसके रस्ते में था। आपने देखा होगा अगर कभी कि जो बतख होती है बतख के पीछे पीछे उसके सारे बच्चे चलते हैं, तो इसी तरह से ये था कि बतख आगे थी और उसके बच्चे सारे पीछे पीछे चल रहे थे एक लंबी कतार में, तो और वो उसके रस्ते में थे, बॉबी के रस्ते में सारी बतख थी और उसकी बोट जो है वो उनके ऊपर चढ़ने वाली थी। द पुअर बर्ड्स हैड नो आइडिया दैट दे वर इन द मिडिल ऑफ एन ओलंपिक रेस, तो उन बिचारी जो बर्ड्स थी, उन बिचारे पक्षियों को ये नहीं पता था कि वो लोग एक ओलंपिक रेस के बीचों बीच आ फंसे हैं। इमीडिएटली बॉबी स्लोड डाउन हिज बोट, तो तुरंत ही बॉबी ने क्या किया, अपनी बोट को, अपनी नाव को स्लो डाउन कर लिया, उसकी गति धीमी कर दी। मायर्स वॉज कैचिंग अप वेरी क्विकली, मायर्स ने जो है फायदा उठाते हुए बहुत ही जल्दी कैच किया उसको। द पीपल ऑन द बैंक वर चीयरिंग एंड शाउटिंग एज इफ दे वर मैड, जो बैंक पे किनारे पे जो लोग खड़े थे वो लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे, चीयर कर रहे थे। होता है ना कि आपका जो पसंदीदा खिलाड़ी होता है आप उसके लिए जो है शाउट करते हो, चिल्लाते हो, चीयर करते हो उसको, तो वो लोग जैसे कि पागल हो चुके थे इसलिए वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे ये सब देख के घटना। बट बॉबी वेटेड अंटिल ऑल द डकलिंग्स वर आउट ऑफ डेंजर, लेकिन बॉबी ने इंतजार किया जब तक कि सारे जो छोटे छोटे डकलिंग्स थे, बतख के बच्चे थे, वो खतरे से बाहर नहीं निकल गए, यानी उन्होंने जब तक पूरा रास्ता क्रॉस नहीं कर लिया, पानी से जहां उनको जाना था वो क्रॉस नहीं कर लिया, उसके रास्ते से हट नहीं गए, तब तक बॉबी ने इंतजार किया। और ये सारी चीज देख के जो है किनारे पे खड़े लोग चिल्ला रहे थे जोर जोर से। देन ही पिक्ड अप स्पीड अगेन एंड वेंट ऑन टू विन द रेस इजीली, और फिर उसने जो है जैसे ही वो बतख चली गई उसके रास्ते से तो उसने फिर से अपनी स्पीड पकड़ ली और बड़ी ही आसानी से रेस जीत ली। मतलब कि जो उसका जो प्रतियोगी था मायर्स वो उसके आगे निकल चुका था, लेकिन फिर भी उसने बड़ी ही इजीली ये जो रेस थी जीत ली। ऑफ ऑल द ओलंपिक चैंपियंस इट वॉज ही हु वन एवरीबडीज हार्ट, तो जितने भी ओलंपिक के चैंपियंस थे उसमें सिर्फ वही था जिसने की सबका दिल जीत लिया था। A Dutch newspaper wrote, he won the goodwill of the children of Amsterdam. तो एक Dutch यानी कि जो वहाँ Dutch एक newspaper है,
यानी कि अखबार होता है तो जैसे कि अपने यहाँ इंडियन न्यूज़पेपर होता है भारत में, तो वैसे ही डच जो है न्यूज़पेपर में लिखा गया था कि ही वन यानी कि बॉबी ने सबका बच्चों का एम्स्टरडेम के बच्चों का दिल जीत लिया और उसकी उनकी प्रशंसा जीत ली. His friends in the Australian Olympic team were not surprised by the story of the ducks. So, उसके जो दोस्त थे जितने भी Australian Olympic team में, वो लोग इस कहानी से बिल्कुल भी जो है आश्चर्यचकित नहीं हुए. इस जो बत्तख वाली कहानी थी उसकी, उससे आश्चर्यचकित नहीं हुए, उन्हें बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ. बॉबी इज दैट काइंड ऑफ अ मैन, दे सेड. उन्होंने कहा कि बॉबी एक इसी तरह का व्यक्ति है, यानी कि उसके दिल में बहुत ही ज्यादा प्यार और ममता है. From the age of 6, Bobby Pierce competed in races for 33 years. तो 6 साल की उम्र से Bobby Pierce ने races में जब 33 साल तक जो है वो रेस जीतता रहा, compete किया उसने, यानी कि प्रतियोगिताओं में भाग लिया. He stopped taking part in sports in 1945. So 1945 में उसने जो है किसी भी स्पोर्ट्स में इस तरह के भाग लेना बंद कर दिया. In all these years, he never lost a single race. लेकिन जितनी भी उसने competitions में participate किया, उसने एक भी कोई race जो है हारी नहीं, सब race को जीतता गया. Health is wealth. तो यहाँ पे दिया health is wealth, यानी कि हमारी जो है जो health है, हमारा स्वास्थ्य है, वही हमारी पूंजी है. तो बच्चों इस तरह से ये chapter आज हमारा finish होता है. देखिए कुछ words है read and learn में, हम देखते हैं इसको. Athlete, ancient, हार्बर, एसोसिएटेड, स्कलिंग, कॉम्पिटिशन, इवेंट्स, रोइंग, स्पोर्ट्स फेस्टिवल, पिक्ड अप, आउट ऑफ डेंजर, कैचिंग अप, सिंगल, इन द मिडिल ऑफ, इन द लीड, शेयर अ गोल्ड मेडल, इन द फाइनल्स, टू विन समवन्स हार्ट. तो इसमें आपको ये जो सिंगल वर्ड्स है वो तो वर्ड्स है, लेकिन जो ये इस तरह के जो है स्पोर्ट्स फेस्टिवल से लेकर के टू विन समवन्स हार्ट, ठीक है, ये फ्रेजेस हैं, ठीक है ना. जो एक से ज्यादा, दो से ज्यादा शब्द होते हैं वो फ्रेजेस होते हैं. अब देखिए हम जो एक्सरसाइजेस कर चुके थे उसको तो हम देख ही चुके हैं अपने लास्ट सेशन में. वर्ड पावर में आज देखते हैं. डकलिंग्स आर द यंग वंस ऑफ डक्स, यानी कि जो डक्स होती है, बत्तख होते हैं, उसके जो छोटे बच्चे होते हैं, यंग वंस होते हैं, उसको डकलिंग्स बोलते हैं. द वर्ड्स एंडिंग इन लेट और ई डबल टी ई, ये दो जो शब्द हैं जिनके एंड में लगते हैं एल ई टी या फिर ई डबल टी ई, शो द स्मॉलर वर्जन ऑफ अ थिंग और अ बेबी क्रिएचर. तो वो किसी चीज के या फिर जो है स्मॉलर वर्जन दिखाते हैं, यानी कि उसका छोटा रूप बताते हैं. थिंग और अ बेबी क्रिएचर या फिर उसका बेबी जो होता है. तो मैच दीज, तो ऐसे ही यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं, जैसे पिग, पिगलेट, है ना, एलईडी लगा दिया इसमें, पिगलेट हो गया. तो पिग यानी क्या होता है, सुअर होता है, पिगलेट यानी सुअर का छोटा सा जो बेबी होता है उसको बोलते हैं पिगलेट. तो ऐसे ही यहाँ पे और जो शब्द हैं उनके बच्चे, या फिर जैसे बुक हुआ, रिवर हुआ, किचन हुआ, तो इसके छोटे फॉर्म्स को क्या बोलते हैं ये हम देखेंगे, ये आगे आने वाली एक्सरसाइज में आज हम देखने वाले हैं. अब देखिए आज हम जो एक चीज पढ़ेंगे, लेट्स टॉक, देखते हैं. टॉक टू योर फ्रेंड्स इन द क्लास, आपको अपने दोस्तों से बात करनी है, आपके क्लास में हो या फिर आपके आस पड़ोस में भी आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनसे बात कीजिए. आस्क दीज क्वेश्चंस टू फिल अप द ब्लैंक स्पेसेस इन द टेबल गिवन बिलो. तो हमें ये क्वेश्चंस पूछने हैं उन बच्चों से, आपके फ्रेंड से पूछो आप, और फिर ये टेबल आपको फिल करनी जैसे फिल की है. व्हेन डिड यू ज्वाइन द स्कूल, यानी कि तुमने स्कूल कब ज्वाइन किया. तो देखिए जैसे कि यहाँ पे नेम लिखना है आपको, आपके फ्रेंड का जो भी नाम हो, जैसे यहाँ पे आशु लिखा है, आप यहाँ पे अपने फ्रेंड का नाम लिख सकते हो. फिर आप लिखोगे व्हेन डिड यू ज्वाइन द स्कूल, आपने स्कूल कब ज्वाइन किया, तो वो जैसे 1998 वो आपको सन बताएगा, वो आप यहाँ पे लिखोगे सेकंड इसमें. फिर है व्हाट गेम डू यू लाइक टू प्ले, तुम्हें कौन सा गेम खेलना पसंद है. तो जैसे यहाँ पे क्रिकेट लिखा है, आपके फ्रेंड को सपोज फुटबॉल या फिर जो भी कबड्डी पसंद हो, तो आप उसका नाम यहाँ लिखोगे. फिर है व्हाट कलर डू यू लाइक द मोस्ट, तुम्हें कौन सा कलर सबसे ज्यादा पसंद है. जैसे यहाँ ब्लू लिखा है, आप अपने फ्रेंड का पसंदीदा कलर लिख सकते हो, रेड, ग्रीन, जो भी वो बताए. व्हाट्स योर फेवरेट सब्जेक्ट, तुम्हारा फेवरेट जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है, विषय कौन सा है. तो जैसे यहाँ साइंस लिखा है, हो सकता है आपके फ्रेंड का हिंदी, संस्कृत या फिर जो भी आपके फ्रेंड का सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट हो उसको यहाँ लिखिए. फिर है विच फ्रूट डू यू लाइक द मोस्ट, कौन सा फल तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है. तो फ्रूट का नाम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ बनाना लिखा है
उसको एप्पल पसंद हो या पपीता पसंद हो तो पपाया लिखेंगे। और लास्ट है व्हाट्स योर डेट ऑफ बर्थ, तुम्हारे जन्म का दिन कौन सा है, तो 14th November 1993। तो ऐसे ही आप उसके जन्म का दिन और उसका ईयर लिख सकते हो। तो ऐसे आप ये सारे कॉलम्स को फिल करो। लेट्स राइट राइट सेंटेंसेस फ्रॉम द अबव टेबल एज इन द एग्जाम्पल। अब ये लिखने के बाद आपको एक क्या करना है, इस तरह के सेंटेंसेस लिखने। किस तरह से लिखेंगे, आशु ज्वाइन द स्कूल इन द ईयर 1998, ठीक है ना। आशु है तो आप अपने फ्रेंड का नाम लिख के लिख सकते हो। आशु ने स्कूल ज्वाइन किया 1998 में। ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, देखिए ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। ही लाइक्स ब्लू कलर द मोस्ट, है ना, उसको ब्लू कलर पसंद है। हिज फेवरेट सब्जेक्ट इज साइंस। His favorite fruit is banana. His date of birth is 14 November 1993. अब सपोज कीजिए कि आपका जो फ्रेंड है एक लड़की है ना, आपकी लड़की आपकी फ्रेंड है, आप गर्ल हो, आपकी फ्रेंड लड़की है, तो आप ही की जगह शी लिखोगे और हिज की जगह हर लिखोगे, ठीक है। बस इतना ही फर्क होगा, बाकी तो वैसे का वैसे ही होगा। तो अब आइए हम जो है और आगे की एक्सरसाइज अपने नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। अब कुछ जो एक्सरसाइज पार्ट जो बाकी रह गया है उसको भी देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द वर्ड पावर एक्सरसाइज। मैच द फॉलोइंग, अभी हमने देखा था कि LET या फिर ETE हम कहाँ लगाते हैं, कोई अगर किसी का बेबी हो, छोटा बच्चा हो, या फिर कोई छोटा शॉर्ट जो है उसका स्वरूप हो किसी चीज का, है ना। तो अब जैसे पिग का पिगलेट हमने पढ़ा था, ऐसे ही आउल, जो आउल होता है यानी कि उल्लू जिसको बोलते हैं, आउल का जो छोटा बेबी होता है उसको आउलेट बोलते हैं। स्वैन जो होती है बतख जैसी, एक स्वैन भी होती है, तो स्वान के जो छोटा बेबी होता है उसको सिग्नेट बोलते हैं। बुक यानी जो बुक होती है, बुक ही अगर छोटी सी बुक हो तो हम क्या बोलेंगे, बुकलेट, ठीक है ना। रिवर नदी, छोटी सी नदी हो तो हम इसको रिवरेट बोलेंगे। और किचन यानी कि जो रसोई घर होता है, छोटा सा किचन हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, किचनेट बोलेंगे। तो ये आंसर्स हमने डायरेक्टली सामने लिख दिए हैं, तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़ के समझ के लर्न कीजिएगा। नेक्स्ट है ग्रामर इन यूज। अब हम ग्रामर की एक्सरसाइज पे ध्यान देते हैं। फर्स्ट है इसमें फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन बिलो। तो करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, इसमें ज्यादातर जो है हम जितने भी वर्ब्स भरेंगे वो हमारे पास्ट टेंस में होंगे, ठीक है ना। सिंपल पास्ट टेंस में हो सकते हैं। तो देखते हैं वर्ड्स कौन से है हमारे, हियर यानी सुनना, विन जीत, सीम यानी कि जैसा हमें दिखता है, कम्पीट यानी कि किसी के साथ प्रतियोगिता करना, वेट यानी इंतजार। आर इंडियन क्रिकेट टीम वन द वर्ल्ड कप इन 1893, यानी हमारी भारतीय क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता था 1893 में, तो जीता था, है ना, वन, तो विन का सेकेंड फॉर्म हो गया वन। देयर वाज कंप्लीट साइलेंस आउटसाइड, बाहर पूरी तरह से साइलेंस था, शांति थी। अब देखिए हमें कैसे पता चलता है कि पास्ट टेंस का सेंटेंस है, वॉज लिखा हुआ है यहाँ पे, इससे हमें पता चला। अब है पूरी तरह शांति थी। सडनली आई हर्ड अ नॉइज, अचानक से मैंने एक आवाज, मैंने एक शोर सुना, नॉइज यानी शोर होता है, तो हियर का ही सेकंड फॉर्म है हर्ड। मिल्खा सिंह वॉज लीडिंग इन द 100 meter रेस इन द ओलंपिक्स। मिल्खा सिंह जो है ओलंपिक्स के 100 meter रेस में लीड कर रहे थे, ठीक है, यानी कि आगे दौड़ रहे थे। It seemed that he would win the race. ऐसा लग रहा था, seemed यानी जो हमें दिखता है, जो लगता है, जैसे कि वो रेस जीत जाएंगे। तो seem का seemed हो गया, ED लगा दिया हमने, past tense हो गया। We couldn't play the cricket match because of heavy rains. भारी बारिश की वजह से हम क्रिकेट मैच नहीं खेल पाए। We waited until the rain stopped. अब wait जो था इसका ही second form waited. तो हमने इंतजार किया जब तक बारिश थम नहीं गई, तो यहाँ पे wait का waited हो गया। नेक्स्ट है कमल इज द 800 meter रेस चैंपियन ऑफ आर स्कूल। कमल जो है हमारे स्कूल का 800 meter रेस का चैंपियन है। सो फार ही हैज कम्पीटेड मेनी रेसेस एंड नेवर लॉस्ट एनी। अभी तक जो है उसने कई रेसेस में कम्पीट किया है, प्रतियोगिता ली है, और किसी और नेवर लॉस्ट एनी, और कोई भी हारा नहीं है वो। तो कम्पीट जो वर्ड था उसी से कम्पीटेड हमने सेकेंड फॉर्म में बनाया, ईडी लगाया इसमें। तो पास्ट पार्टिसिपल इसको बोलते हैं कम्पीट, जहां पे हम ईडी वगैरह लगाते हैं। फिर है फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस विद द एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस गिवन बिलो। तो हियर आर सम प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस यानी जो नाउन की पोजीशन बताते हैं, संज्ञा की जो पोजीशन बताए उसको बोलते हैं प्रेपोजिशन। विथ, ऑन, इन, इनटू, अक्रॉस, बाय, टू,
ठीक है ना, ये सारे प्रेपोजिशंस है। तो जैसे जैसे हम इसको जो है यूज करेंगे वैसे वैसे इसका मीनिंग भी समझते जाएंगे। वी शुड नॉट राइट ऑन वॉल्स, यानी हमें वॉल्स पे यानी दीवारों पे, वॉल यानी क्या, दीवार, तो दीवारों पर नहीं लिखना चाहिए। तो ऑन वॉल्स यानी दीवारों पर, तो जो भी हमारा नाउन होता है ना, नाउन के जस्ट पहले ये प्रेपोजिशन लगता है, जो भी प्रेपोजिशन होता है। तो ऑन का क्या मतलब हुआ, किसी चीज के ऊपर, ठीक है। देयर इज प्लेंटी ऑफ वॉटर इन द जग, जग में बहुत सारा पानी है, तो जग के अंदर है, ठीक है ना। जग में हम ऐसे बोलते हैं ना, जग में, जग के अंदर पानी है, तो इन द जग, जग के अंदर। चिल्ड्रन आर प्लेइंग विथ अ फुटबॉल, बच्चे जो है फुटबॉल के साथ खेल रहे हैं। विथ यानी क्या होता है, के साथ, उसको हम विथ बोलते हैं। तो फुटबॉल के साथ खेल रहे हैं बच्चे। आशु ड्रू अ लाइन अक्रॉस द पेज, आशु ने एक लाइन खींची अक्रॉस द पेज। अक्रॉस द पेज मतलब क्या होती है, सपोज ये पेज है, अक्रॉस द पेज ऐसे है ना, तो पूरे पेज पे लाइन, तो पेज के ऊपर पूरा अक्रॉस यानी इधर से उधर ऐसे लाइन खींची। सो अक्रॉस अ पेज, आशु ने एक लाइन जो है पेज के ऊपर ऐसे खींची, तो इसको हम अक्रॉस बोलेंगे। अबू जंप्ड इनटू द रिवर, अबू ने नदी के अंदर छलांग लगाई। जब हम बाहर से अंदर कोई चीज जब जाती है, चीज हो, व्यक्ति हो, तो उसको हम इनटू, तब वहां पे इनटू का यूज होता है। अबू जंप्ड इनटू द रिवर, अबू ने नदी के अंदर छलांग लगाई, ठीक है ना। तो बाहर था और नदी में छलांग लगाई, तो हम इनटू बोलते हैं। और कोई चीज जब पहले से अंदर होती है तो वहां पे हम इन लिखते हैं। वी गो टू स्कूल बाय बस, यानी कि हम स्कूल बस से जाते हैं। वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं, टू स्कूल यानी कि स्कूल जाते हैं, बाय बस, बस से, बस के द्वारा, तो बस से स्कूल जाते हैं। महक कैप्ट द बुक इन हर बैग, तो देखिए इनटू और इन में फर्क आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि महक ने अपनी बुक जो है अपने बैग के अंदर रखी थी, तो बैग के अंदर रखी थी, ठीक है। और ये हम बाहर से अंदर जब गए तब हमने इनटू का यूज किया। तो बच्चों आज हमने कई सारी नई नई चीजें सीखी हैं, प्रेपोजिशंस का यूज कैसे करना है, कहाँ पे उनको लगाते हैं, उनको जस्ट हम नाउन्स के पहले लगाते हैं, नाउन का जो है पोजीशन बताते हैं, वो होते हैं प्रेपोजिशन। तो ये सारी जितनी भी चीजें आज हमने पढ़ी हैं आज के सेशन में, जो शॉर्ट फॉर्म्स जो होते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स मतलब कि एनिमल्स के बच्चों को क्या, छोटे जो बेबीज होते हैं उनको क्या बोलते हैं, किचन का किचनेट, जो छोटा किचन होता है, तो ऐसी कई तमाम चीजें जो आज हमने पढ़ी है उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, समझिए। आज का सेशन यही फिनिश करते हैं, नेक्स्ट सेशन में वी विल मीट सून। टिल देन बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ नाइस डे।